हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का, जो है पिछले कुछ दिनों से जो है वीडियो नहीं बन रहा था, ठीक है। तो आज जो है हम बायोलॉजी का जो है जो चैप्टर चल रहा था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो हम आपको जो है उसमें एम्ब्रियो से तक पढ़ाए थे, भ्रूण कोष तक पढ़ाए थे। आज जो है मैं टॉपिक पॉलिनेशन शुरू करने वाला हूँ, उसको जो है आगे लेके पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलिनेशन होता क्या है, जिसे हम बोलते हैं क्या, हिंदी में बोलते हैं क्या, परागण बोलते हैं, ठीक है। तो परागण की प्रक्रिया में इसमें क्या होते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं इसमें जो रोल होता है, वह जो है रोल होता है पॉलिन ग्रेन्स का होता है और स्टिग्मा का होता है, ठीक है। तो चलिए पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलिन ग्रेन्स और जो है स्टिग्मा का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा मेल गैमेटोफाइट होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, जिसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं, तो सबसे पहले ये जानते हैं। तो इसे बोलते हैं क्या, एंड्रोसियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम, ठीक है। अब चलिए इस एंड्रोसियम को हम क्या बोलते हैं, इस एंड्रोसियम को हम क्या कहते हैं, अगर हिंदी में कहें तो हम इसे बोलते हैं क्या, पुमंग, ठीक। चलिए तो एंड्रोसियम को हम पुमंग बोलते हैं। तो अब ये ध्यान देना है, इस पुमंग से किसका फॉर्मेशन हो रहा है या इसके यूनिट क्या है। तो पुमंग से जो फॉर्मेशन होता है, या कह सकते हैं पुमंग की जो इकाई होता है उसे बोलते हैं क्या, स्टेमन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, ठीक है। और इस स्टेमन को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, ठीक। तो पुमंग की जो यूनिट है उसे क्या बोलते हैं, स्टेमन। चलिए अभी तक तो हमने स्टेमन जान लिया, अब चलिए अब बात करते हैं कि स्टेमन से किसका फॉर्मेशन होता है, चलिए वो भी देख देते हैं। तो स्टेमन से जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं क्या, पॉलन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, एंथर भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंथर, क्या बोलते हैं, एंथर। चलिए अब इस एंथर को हम क्या कहते हैं, पराग कोष कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए नेसेसरी होता है कौन सा पार्ट इसमें पार्टिसिपेट करता है, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो स्टेमन से जो है फॉर्मेशन हुआ एंथर का, अब इस एंथर से फॉर्मेशन किसका होगा, पॉलन ग्रेन्स का होगा, किसका होगा, पॉलन ग्रेन्स का होगा, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स का क्या हुआ, जब एंथर से फॉर्मेशन हो गया तो इसको बोलते हैं क्या हम हिंदी में, परागकण, परागकण। तो ये पार्टिसिपेट करेगा कहाँ पे, पॉलिनेशन में। अभी तो हमने आपको बताया क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो पार्टिसिपेट करेगा पॉलिनेशन में, वो पार्ट कौन सा है, पॉलन ग्रेन्स है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परागकण होते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा क्या होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है आपका, उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं, गैनोसियम कहते हैं, क्या कहते हैं, गैनोसियम, ठीक है, क्या कहते हैं, हम इसको गैनोसियम कहते हैं, ठीक। और गैनोसियम को हम क्या कहते हैं हिंदी में, जायांग कहते हैं। चलिए जायांग की इकाई क्या होती है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो जो जायांग की इकाई होती है इसे बोलते हैं हम क्या, सीधा सीधा देखते हैं, जायांग की जो इकाई होती है उसे बोलते हैं क्या, कार्पेल, जिसे हम अंडब भी बोलते हैं, क्लियर। अब देखिए अंडब की जो अंडब में क्या होता है कि इसकी कोई इकाई नहीं होती है, या अंडब से किसी का फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा, इसमें क्या होगा, बस ये ध्यान देना है कि इसके टोटल तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। उस तीन पार्ट में जो पहला पार्ट होता है जिसे बोलते हैं क्या, स्टिग्मा, क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में क्या, वर्तिकाग्र, ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। तो यही पार्टिसिपेट करता है कहाँ पे, पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसको ध्यान देना है पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो हमारा दोनों
पार्ट मिल गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों मिल गया, एक स्टिग्मा मिल गया और एक पोलन ग्रेन्स मिल गया। तो हमें यहाँ पे दोनों का जो है होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन के लिए दो रिप्रोडक्टिव पार्ट का होना बहुत ही नेसेसरी होता है। सबसे पहला क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होता है जिसे हम पराकण बोलते हैं, और दूसरा हमारे क्या होता है, स्टिग्मा, जिसे हम बोलते हैं क्या, वर्तिकाग्र। इसको ध्यान देना है। चलिए तो सबसे पहले हम पॉलिनेशन के डिफिनेशन की बात करते हैं। तो डिफिनेशन क्या कहता है उसको हम देखते हैं। पॉलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स, ना, इस पोलन ग्रेन्स को हम क्या बोलते हैं, पराकण बोलते हैं, क्लियर। अब ये ध्यान देना है इस पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है। तो अभी मैंने बताया इस पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन किससे हुआ, एंथर से हुआ है। तो देखिए पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ फ्लावर, तो अभी मैंने बताया एंथर से जो है पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, ये तो क्लियर हो गया। चलिए फ्लावर टू द फीमेल टू द स्टिग्मा, और ये क्या करेगा, जो पोलन ग्रेन्स होगा ये पोलन ग्रेन्स मूव करके किसके पास जाएगा, फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाएगा, और स्टिग्मा को क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो रोल है ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है दो दो का रोल है, एक पोलन ग्रेन्स का है और एक स्टिग्मा का है। अगर कोई दोनों में से एक अब्सेंस रहेगा तो पोलन ग्रेन्स सॉरी जो है पॉलिनेशन संभव नहीं होगा, ये ध्यान देना है। तो दोनों का बहुत ही ज़रूरी है होना, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा जब होंगे तभी जो है पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होंगी, ठीक है। अभी तक तो मैंने आपको बताया इसका डिफिनेशन इस प्रकार। अब चलिए कुछ थोड़ा और इजी देख लेते हैं डिफिनेशन। पौधे में पराकण का नर भाग से, अभी मैंने बताया नर भाग आपका क्या है, पराकण है, नर भाग से मादा भाग पर, और उस मादा भाग का नाम क्या है यहाँ पे, वर्तिकाग्र। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या है, नर भाग से, नर भाग क्या है आपका, पराकण, फिर क्या कहा है, मादा भाग पर, मादा भाग आपको क्या है, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम फ्लावर की मदद से आपको बताते हैं, स्ट्रक्चर्स की मदद बताते हैं कि कैसे एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे से फ्यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, देखते हैं ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले देखिए ये हम जो स्ट्रक्चर बनाए हैं एक जो है जिसमें फ्लावर्स के सभी पार्ट इसमें आपको शो हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पे फ्लावर के दो पार्ट से देखना है, दो से बस समानता रखना है, एक तो पोलन ग्रेन से रखना है और दूसरा किससे रखना है, स्टिग्मा से रखना है। तो चलिए देखिए एक फ्लावर है, एक फ्लावर में क्या है, ओव्यूल्स है, ठीक है, ओव्यूल्स के साथ साथ ओवरी है, प्लेसेंटा है, थैलमस है, सब इसमें शो किया गया है। लेकिन हमें यहाँ पे दो चीज़ों से मतलब है, किससे, पोलन ग्रेन से मतलब है और स्टिग्मा से मतलब है, क्लियर। तो चलिए देखिए किसी प्लांट का जो है पोलन ग्रेन्स, अब पोलन ग्रेन्स जो है, यहाँ पोलन ग्रेन्स क्या हुआ, ये पोलन ग्रेन्स जो है क्या हुआ कि यहाँ से ब्रेक हुआ, ये होता हुआ पोलन ग्रेन्स जो है पोलिनेटर के द्वारा। और देखिए ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पोलिनेटर कौन होगा, पोलिनेटर कोई भी कीट हो सकता है, कोई भी मधुमक्खी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये पोलन ग्रेन्स मूव करके कहाँ पर जा रहा है, स्टिग्मा, किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है। ये ध्यान दीजिएगा कि जो पोलन ग्रेन्स है ये मूव करके पोलिनेटर के द्वारा मूव करके कहाँ पे जा रहा है, किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर किया जा रहा है। और जाने के बाद एक दूसरे से क्या कर लेंगे, आपस में रिएक्ट करके जो है ये क्या करेगा, जो पोलन ग्रेन्स होगा, ये जो पोलन ग्रेन्स होगा ये स्टिग्मा क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट की प्रक्रिया करके जो है पोलिनेशन की क्रिया को शो करेगा और उससे जो है एक नए पौधे का निर्माण करेगा। तो ये हमारे थे पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होते हैं मैं आपको स्ट्रक्चर्स के माध्यम से बता दिया, इस स्ट्रक्चर में पूरा पूरा शो हो रहा है कि यहाँ का जो पोलन ग्रेन्स है ये पोलन ग्रेन्स पोलिनेटर के द्वारा किसके पास पहुँच रहा है, स्टिग्मा के पास पहुँच रहा है, और ये स्टिग्मा क्या कर रहा है, पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा दोनों साथ में मिलकर जो है पोलिनेशन की प्रोसेस को जो है यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये हमारे पोलिनेशन था। अब हम बात करते हैं जो पोलिनेशन के टाइप, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो पोलिनेशन आर अप टू टाइप्स, नाउपश जो होता है आपका क्रॉस पोलिनेशन, और सेकंड होता है क्या आपका सेल पोलिनेशन। इसको ध्यान में रखते हुए हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। तो चलिए चलिए अब हम डिस्कस करते हैं जो है पोलिनेशन। पोलिनेशन तो अभी मैंने डिस्कस कर दिया, अब हम बात करते हैं पोलिनेशन के टाइप कितने होते हैं। तो पोलिनेशन के जनरली जो टाइप होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है क्या, सेल पोलिनेशन जिसे हम बोलते हैं स्वपरागण, और दूसरा होता है क्या, क्रॉस पोलिनेशन जिसे हम बोलते हैं क्या, परागण। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तब पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। जो सेल पोलिनेशन होता है
सेल पॉलिनेशन में क्या होता है कि प्लांट आपका एक ही रहता है, प्लांट आपका एक ही है, सपोज सपोज ये आपका जो है कोई मान लीजिए, सपोज यहाँ पे ये प्लांट है आपका, इसमें आपके क्या हैं, दो आपके जो है फ्लावर्स हैं, ऐसे से मान लीजिए दो आपके क्या हैं, फ्लावर्स हैं, ठीक। सपोज करिए तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि दो फ्लावर्स हैं, दो फ्लावर्स में आप मान लीजिए कि एक फ्लावर्स ये है, एक फ्लावर्स ये है, ठीक है। तो एक आपका ये क्या है आपका, ये प्लांट्स है आपका, ठीक है। सपोज तो दो फ्लावर्स में क्या होगा कि जो सबसे पहले की हम बात कर रहे हैं क्या, ये सेल पॉलिनेशन। तो सेल पॉलिनेशन में क्या होगा कि एक ही प्लांट्स रहेगा, एक ही प्लांट्स का जो पुष्प होगा, पहले पुष्प का जो परागकण होगा वह उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा के पास पहुंचेगा, तो इसे बोलेंगे क्या, सेल पॉलिनेशन। ये तो सेल पॉलिनेशन हो गया। अब हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, देखिए क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, दो पौधा होगा और दो पौधे का क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं जैसे मान लीजिए आपका ये एक ये क्या हो गया, ये पौधा हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये पौधा हो गया, और ये इस प्लांट्स में क्या होगा, मान लीजिए ये इसका क्या हो गया, ये इसका फ्रूट्स हो गया, ये इसका क्या हो गया, फ्रूट्स होगा हो गया। तो क्या होगा कि इसका जो पोलन ग्रेन्स होगा, इसका जो पोलन ग्रेन्स होगा, इसका जो पोलन ग्रेन्स होगा ये किसके पास आएगा, स्टिग्मा के पास आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे प्लांट क्या है, प्लांट अलग अलग हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लांट अलग अलग हुए। तो कहने का मतलब जब प्लांट क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, और उस डिफरेंट प्लांट का जो है क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट जब फ्लावर रहेगा तो इसे बोलेंगे क्या, हम क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो है क्रॉस पॉलिनेशन और सेल पॉलिनेशन की जो है युक्तियाँ क्या होती हैं, इसके मेथड्स क्या होते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।